तो हेलो दोस्तों, मैं आशीष, स्वागत करता हूं अपने चैनल RSA टेक्ज़ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ट्राई की तरफ से कुछ नए फैसले लिए गए हैं जो कि आपको जरूर जाननी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप नौ सिम से ज़्यादा अपने आधार से ओपन किए हो तब दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा जरूर से देखनी चाहिए, नहीं तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर से देखना। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टेक्नोलॉजी के हर नए अपडेट पाने के लिए। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ट्राई की तरफ से क्या नए अपडेट है। तो दोस्तों, जियो ने पिछले हफ्ते ट्राई में कंप्लेन किया था वोडाफोन आइडिया के लिए, जिसमें दोस्तों ये था कि दोस्तों अगर आपको अपने सिम को पोर्ट कराना हो तो दोस्तों इन सभी सिम में आपको एक मिनिमम रिचार्ज करवाना पड़ता था। आप जब मिनिमम रिचार्ज करवा लेते थे तब आपका इनकमिंग भी आता था और आउटगोइंग भी कर सकते थे। और दोस्तों, इसमें हम किसी को अगर मैसेज भेजना चाहते हैं तब दोस्तों हम लोग को ये जो मिनिमम रिचार्ज है वो करवाना पड़ता था। दोस्तों, अगर मान लो आपने रिचार्ज नहीं करवाया मिनिमम रिचार्ज, और अगर आपको वोडाफोन से आपको जाना है जियो में, तब दोस्तों यहाँ पे आप पोर्ट नहीं करवा सकते थे, जो कि दोस्तों इसी के लिए जियो ने कंप्लेन किया था ट्राई में। दोस्तों, आप ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये फैसला है। दोस्तों, किसी सिम को अगर आप पोर्ट कराना चाहते हो तब दोस्तों आप पोर्ट वाला जो मैसेज है आप फ्री में भेज पाओगे। दोस्तों, ट्राई की तरफ से अब यही फैसला लिया गया है कि दोस्तों आप पोर्ट वाला जो मैसेज है आप फ्री में भेज पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, आपको किसी भी कंपनी में किसी को पोर्ट कराना हो तो दोस्तों रिचार्ज नहीं करवाएंगे, वो लोग पोर्ट वाला मैसेज फ्री में भेज पाएंगे। दोस्तों, ये रहा पहला फैसला जो कि दोस्तों ट्राई की तरफ से लिया गया। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ सेकंड वाला फैसला। तो अगर आप अपने आधार से नौ सिम से ज़्यादा रखे हो तब दोस्तों उन सभी को आपको रीवेरीफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप रीवेरीफिकेशन नहीं करवाते हो तब दोस्तों आपका जो नौ सिम है वो एक साथ बंद हो जाएगा, जिसमें कि आपका इम्पोर्टेंट सिम भी हो सकता है। तब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास नौ सिम से ज़्यादा हैं तभी रीवेरीफिकेशन कराना पड़ेगा उन सभी का। लेकिन अगर आपके पास नौ सिम से कम है तब दोस्तों आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से चला सकते हो। तो दोस्तों, बस यही कुछ अपडेट थे जो मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस चैनल के नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।